नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और बॉलीवुड पर जिस तरीके से अब संकट के बादल छाए हुए हैं, तमाम बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस नशे के मकर जाल में फंसे हुए हैं, ये बात पूरी तरीके से देश के लोगों के सामने खुल चुकी है। उसके बाद बॉलीवुड के तमाम लोग उन टीवी वालों के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन अब इस कड़ी में जिस तरीके से खुलकर उद्धव ठाकरे आ गए हैं सामने, और उद्धव ठाकरे ने ये कहने की कोशिश की है कि बॉलीवुड को बदनाम करने की या उसको मुंबई से हटाने की किसी भी कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। बॉलीवुड इस मुंबई की जान है, और मुंबई न केवल आर्थिक राजधानी है बल्कि सांस्कृतिक राजधानी भी है। बॉलीवुड की पहचान पूरी दुनिया में है और हॉलीवुड तक बॉलीवुड से प्रेरणा लेता है, इस तरीके की बात करते हुए उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि क्या उद्धव ठाकरे को अब बॉलीवुड से मोटी सुपारी मिल गई है उनकी वकालत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से बीएमसी और मुंबई पुलिस बॉलीवुड के पक्ष में खड़ा हुआ दिखता है, उनके अवैध कामों पर जिस तरीके से पर्दा डालता हुआ दिख रहा है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार अब खुलकर बॉलीवुडियों की तरफदारी करती हुई उनकी वकालत करती हुई दिख रही है। बॉलीवुड के लोगों को लेकर जिस तरीके का बयान उद्धव ठाकरे ने दिया, उसकी एक वजह यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने अभी पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जो कि बहुत बड़े स्तर पर होगी, वहाँ हर तरीके की सुविधाएं होंगी, और हिंदी पट्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं जो बॉलीवुड में काम करने के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, और वहाँ उनके साथ जो भेदभाव होता है, जिस तरीके से उन्हें सताया जाता है, जिस तरीके से उनका शोषण होता है, वो उन्हें नहीं देखने को मिलेगा। इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये सारी बातें कही हैं। उद्धव ठाकरे ऐसी बातें तब कर रहे थे जब थिएटर मालिकों के साथ उनकी एक मीटिंग थी, क्योंकि अब भारत के अंदर जिस तरीके से तमाम सिनेमा घरों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, थिएटरों और दूसरे जो मल्टीप्लेक्स हैं उनको खोलने की इजाज़त मिलने के बाद में उद्धव ठाकरे ये बात करते हुए नजर आए, और उन्होंने सीधे तौर पर अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधने की कोशिश की। इन सब के पीछे की वजह यह है कि उद्धव ठाकरे तमाम जो सवाल उनके ऊपर खड़े हुए हैं, चाहे कोरोना का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, दिशा सालियान की मौत का मामला हो, मुंबई पुलिस की अक्षमता हो, या फिर कंगना रनौत के ऊपर जिस तरीके से बदले की भावना से कार्रवाई हुई, उन सभी चीज़ों की वजह से सवालों के घेरे में घिरे हुए थे। और उसके बाद ये आरोप भी लग रहा था कि उद्धव ठाकरे एकदम अपने घर की दीवारों के बीच रह के सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सब को वो एक तरीके से जवाब देने के लिए इस तरीके का प्रपंच करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी वजह से वो बॉलीवुड के बहाने अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो भी उनके इस हर तरीके के दिखावे की पोल खोलती हुई नज़र आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक राम कदम ने मांग की है कि उद्धव ठाकरे राज्यपाल की उस मांग को तो ठुकरा चुके हैं जिसमें उन्होंने मंदिरों को खोलने की बात की थी, और यह पूछा था कि जब मंत्रालय खुल चुके हैं तो फिर मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा सकता है। उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनावों से पहले एक नारा देते हुए नजर आए थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि पहले मंदिर फिर सरकार, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के लिए पहले मंत्रालय फिर मंदिर है, पहले जो नाट्यालय हैं वो हैं और उसके बाद मंदिर है, और इन सबसे पहले सरकार है, यानी शिवसेना के इस नेता के लिए पहले सरकार फिर मंदिर। इस तरीके की बातें अब इसलिए उठ रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर इस तरीके का दबाव डाला था, और ये कहने की कोशिश की थी कि पहले श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए तब सरकार बनाने की बात करनी चाहिए। लेकिन उनकी इस बात का जवाब तो कोर्ट से भी मिला, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने अयोध्या में जाकर जिस तरीके से श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास किया, वो भी एक जवाब उन्हें मिल चुका है। अब उन्हें इस बात का जवाब देना है कि जिस बात के लिए उनके पिता बाला साहब ठाकरे जिंदगी भर लड़ते रहे, यानी कि भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराएं और लोगों को पूजा करने का जो उनका मौलिक अधिकार है, उसका पूरी तरीके से उन्हें उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे इस सब के बीच में कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आकर जिस तरीके से अब मंदिरों को खोलने के लिए हामी नहीं भर रहे हैं, मंदिरों को खोलने का उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि अभी मंदिर बंद रहेंगे, और उसके पीछे बहाना ये बनाया है कि जिस जो मंदिर है महाराष्ट्र के अंदर या मुंबई के अंदर, उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और भीड़ की वजह से कोरोना फैल सकता है, लेकिन वो ये भूल गए
कि ज़्यादातर जो बार हैं मुंबई के उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वहाँ जिस तरीके से अश्लील हरकतें होती हैं या जो थिएटर हैं उसमें भी लोगों की भीड़ होना लाजमी है, क्योंकि जब भीड़ नहीं होगी तो सिनेमा हॉल चलेगा ही नहीं। इस सब को रोकने की बजाय वो मंदिरों को रोक रहे हैं, जहाँ पर अगर बैरिकेड कर दिया जाए और व्यवस्था सही तरीके से हो तो वहाँ पर भीड़ होना संभव नहीं है। पूरे देश में मंदिर खुल चुके हैं लेकिन महाराष्ट्र में मंदिर नहीं खुलेंगे, क्योंकि ऐसा उद्धव ठाकरे नहीं चाहते हैं और ऐसा न चाहने के पीछे उनका कारण ये है कि वो सोनिया और शरद पवार के हाथों मजबूर हैं। उन दोनों के इशारों पर चलने वाली इस पूरी शिवसेना का जिस तरीके से अब एक तरीके से अवमूल्यन हुआ है, उसको देखकर शिवसैनिक भी परेशान है और शिवसैनिक भी अंदर खाने ये मांग उठा रहे हैं कि कम से कम मंदिरों को खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए, क्योंकि अब नवरात्रे और उसके बाद दीपावली का जो त्यौहार है वो आने वाला है। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ऐसी स्थिति में चूंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, इसलिए दीपावली का महत्व मुंबई के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बावजूद उद्धव ठाकरे का इस तरीके से मंदिर न खोलने पर अड़े रहना, इसी वजह से जो राम कदम है भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्होंने मांग ये भी रखी है कि अगर आप मंदिर खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो कम से कम रामलीला के मंचन की तो इजाज़त दे दीजिए। रामलीला के मंचन की इजाज़त तो उद्धव ठाकरे को देनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी नाट्य में आता है और जब वो थिएटर को खोलने की बात कर रहे हैं तो रामलीला के मंचन को तो उन्हें खोलना ही पड़ेगा। ये मुद्दा उठाकर राम कदम ने एक तरीके से उद्धव ठाकरे पर करारा वार किया है। अब करारे वार से फंस गए उद्धव ठाकरे, उनको रामलीला मंचन की इजाज़त देनी पड़ेगी और अगर वो इसकी इजाज़त नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर वो सवालों के घेरे में अपनी ही पार्टी के अपने ही समर्थकों के बीच घिर जाएंगे, क्योंकि एक तरफ वो सिनेमा हॉल को थिएटर्स को खोलने की बात कर रहे हैं जहां पर लोग जो दर्शक होते हैं वो फिल्में देखने आते हैं उस, और दूसरी तरफ वो रामलीला के मंचन को रोकना चाहते हैं क्योंकि वहां भी दर्शक आते हैं, तो इस बात को लेकर वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस मांग को उन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार तो उन्हें शिव सैनिकों के बीच जाना है और शिव सैनिक राम जी के कितने बड़े भक्त हैं इसका अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि जब बाबरी नाम का जो ढांचा गिराया गया था उसके बाद जब तमाम लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे कि जिन्होंने ढांचा गिराया वो कौन लोग हैं, तब बाला साहब ठाकरे ने खुलेआम ये घोषणा की थी कि वो मेरे शिव सैनिक हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करिए क्योंकि उन्होंने मेरे निर्देश पर ये सब किया है। उसी बाला साहब ठाकरे का बेटा आज जिस तरीके से मंदिरों के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, मंदिरों को बंद करने पड़ा हुआ है और अब जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो मंदिरों को बंद करने की तरह रामलीला को भी बंद कर देंगे, इससे वो पूरी तरीके से धर्म संकट में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो इस बात को रोकते हैं तो निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे की बात से वो पलटते हुए नजर आएंगे और वैसी स्थिति में शिव सैनिक उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि उन्होंने सीना थोक कर कहा था, खुलेआम कहा था, सरकार को चैलेंज किया था कि शिव सैनिकों ने तोड़ा है उस बाबरी ढांचे को, अगर आपको कुछ करना है तो करके दिखाइए। उन्हीं बाला साहब ठाकरे का, जिन्हें कि महाराष्ट्र का शेर कहा जाता था, उनका बेटा इस तरीके से सत्ता के लिए इतना लोभ में फंस जाएगा, सोनिया और शरद के इशारों पर इस तरीके से काम करेगा कि वो अपने पिता के तमाम सिद्धांतों को तिलांजलि देकर इनके इशारों पर नाचने लगेगा, ये देखने के लिए शिव सैनिक बहुत ज़्यादा नाराज हो सकते हैं। और इसी वजह से अब ये खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ये बात माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ अपनी खींच मिटाने के लिए वो सिनेमा मालिकों के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं, सिनेमा बनाने वालों के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम जो सिनेमा काम करने वाले या फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं दो चैनलों के खिलाफ, उसके बाद ऐसा लगता है कि उन सबको ये समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड से मुंबई में जितना भी ड्रग्स सप्लाई होता है बॉलीवुड के लिए उससे मोटा पैसा शिवसेना को भी मिलता है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस तमाम जानकारियाँ होते हुए भी अब तो उसके पास यह जानकारी दी है कि तमाम जो पेडलर हैं वो बॉलीवुड के फिल्मों में काम करने वाले फिल्में बनाने वाले लोगों को ही ड्रग्स सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं, उसके बावजूद अभी तक मुंबई पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। इस सब के पीछे शिवसेना है क्योंकि शिवसेना को नशे के इस काले कारोबार से मोटी रकम मिलती है। बीएमसी पर शिवसेना का 30 साल से कब्जा है, बीएमसी को सब कुछ पता है, मुंबई पुलिस को सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद किए
हुए बैठे हैं, गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि बॉलीवुड के साथ में शिवसेना की जो एक जुगलबंदी चल रही है, जो गठबंधन चल रहा है, उसका फायदा उन्हें पैसे के रूप में मिलता है और इसको फायदा उठाने के लिए वो आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए मंदिर बंद करने पड़े या किसी दूसरे व्यक्ति को इस बात के लिए झूठे केस में फंसाना पड़े या उसको निशाना बनाना पड़े। ये सारी बातें अब उद्धव ठाकरे की पोल खुल चुकी है, लोगों के सामने उनका पूरा चेहरा एकदम से बेनकाब हो गया है। आने वाले दिनों में जनता उनको किस तरीके से लेगी, ये वो उन्हें देखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।